देखिए मैं सलमान पठान स्नैक्स एक बार फिर से आपके लोगों के बीच में आया हूँ। एक बार समस्या ये है कि नरवर से लगा हुआ गांव बिलोनी पंचायत में जहाँ एक मगर की सूचना आई है कि आप देख सकते हो पीछे मगर है, इसकी लंबाई कम से कम 6.5 फीट की इसकी लंबाई बैठेगी और ये गांव में किसी के खेत में निकल आया है और इसको यहाँ पर रेस्क्यू करना है। आप देखिए खतरा हो भी सकता है और खतरा नहीं भी हो सकता है, आप नजरे गवाए देखते रहें, काफ़ी खतरनाक रेस्क्यू ये रहेगा। इस मगर को जहाँ से पकड़कर इसके बाद पर्यावरण में इसको नदी में छोड़ना होगा। और ये दिखाई दे रहा है इस मगर के लिए, इतना बड़ा मगर है, कम से कम 6.5 फीट की इसकी लंबाई बैठेगी। अब इसको जहाँ से इसको रेस्क्यू कर इसको वापस पर्यावरण में नदी में इसको हम छोड़ देंगे। इसीलिए आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें और देखते हैं क्या होता है। ए लगन जा ही ले देख ला मुख पर बना रहे भी बहुत है पीछे खबर पीछे से नहीं देख देख लगन जा दिख रहे हो जो पकड़ ले वो छोड़े हो नहीं वो ध्यान रखना इसको दूर रखना है ये वो मुंह बंद नहीं कर रहा भाई और ऊपर लेने दी तुम्हें और कद भीतर को मत बोलो गुरु मत बोलो पंडित जो तो बहुत कर रही पुस्कार अब डालो सही तगड़ा आप गिरा वो सही फंदा आ जो और भी जो बस सब सही है फंदा वाला सही है भाई भाई बस सही है सही है सही है सही है बीच में लग रहा है ये यहां बीच में एक ऊपर बांध रस्सी बन जा जाओ मां ये खुद ही मेरा वाली रस्सी आती है एक और सुनी राज रस्सी इधर खुद फेंक दे तू पकड़ लो रे कोई मुंडी मुड़ाई तो तान दो जाए माने अगर एक बार मुंह खोलो ना ये हवा निकल गई जात है निकल गई वो तो रस्सी तो निकल गई रस्सी तो करके अंत दे देगा वहीं से पांव उठा देगा देखिए दोस्तों काफी मुश्किल आ रही है इसका सामना करने में क्योंकि रस्ते बिल्कुल चिकना है इसलिए बार बार स्लिप हो जा रहा है। लेकिन जे जितना घातक पानी में रहता है उतना घातक जमीन पर नहीं रहता, पानी में इसमें दुगनी ताकत आ जाती है इतनी जमीन पर नहीं आती। लेकिन ये रस्सी चिकनी होने के कारण इसके चेहरे पे बंध नहीं पा रही है, स्लिप हो जा रहा है। इसलिए उचट्टे मारता है या मुंह खोलता है तो रस्सी स्लिप हो जा रही है। अभी दूसरी रस्सी मंगवाई है, इससे इसको काबू करती हैं और इसको पकड़ने का पूरा प्रयास हमारा जारी है। आप देखते रहो किस प्रकार का इसको रेस्क्यू करते हैं। आगे से हट जाओ सब लोग तब तक वो आगे जाए ये जे उठ जा सो जेवरा कर जा जे आवा कर जा तो जेवरा ये उठ जा तो हां ये बेटा वो करो पाने का काम नहीं करेगा ना काड़ो जा नो लेओ जेवरा काड़ दो बुद्धि पर काड़ दो कुछ हो यार वीडियो है क्या नहीं वाले अरे यार वीडियो मान आ सुगा सिया ओ सुगा सिया एक जोरा ने का
अरे भैया चिकन है जो है अरे लेकिन आग फुट गई आग पलक बंद कर लो सुई नहीं जाएगा आग में अच्छा और गाय तो पलक 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 हो गए आधार कार्ड लेने जाके एक लगा देता पता पत्ते जाके जा छुड़वे जैसन बाबो आधार कार्ड लगा दे बस दुकान वाल तो जा अपने पता चल जाओ करे पूछ में लग जाओ पूछ को ऊपर बन में मुकेश भूल नहीं के जो निकल जो नीली वाली है सीता की तरफ दिलवा इन्हें ग्राम बिलोनी में आज मगरमच्छ और ये सब ग्राम वासी टेप से इसका मुंह बांधने की क्योंकि इसमें काटने का पूरी तरह खतरा है। इसमें इतनी ताकत होती है कि एक बार में पूरी रस्सी तोड़ भी सकता है। इसीलिए हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, इस पर टेप लगाएंगे और टेप लगाने के बाद में इसको जहाँ से कैसे न कैसे करके निकाल कर इसको वापस पर्यावरण में इसी नदी में इसको वहाँ पर छोड़ देंगे। अभी आप देखते रहे किस तरीके से इसको यहाँ पर बांधते हैं और निकालते हैं। काफी खतरनाक रेस्क्यू है ये। पालतू भी जानवरों की जान चली जाए यही सांप मार दिए जवान जी पर जी अब जी जाना बॉर्डर पे जा रहा जवान है करो जी जे जी जी भाई करो हम अपन करेंगे काबू पकड़ा लोगे जा जाए बाप पकड़ा दे तुम ही आ जाओ पीठ फुला रहा तुका बनना वा आदमी तो वो डीली पर गए तो 100 आदमी नहीं है हजार आदमी नहीं क्यों ताकतवर कैमरा क्या खराब पीछे भागना पड़ेगा डंडा से कैमरा क्या खराब है।
सुनो भाई पीछे भागना पड़ेगा भाई डंडा से तैयारी लट लगाओ लट पीछे से सर अब बैठ जाके ऊपर सामने से हटया यार दीदी ने ना देखी तभी ये सब बाबा के नीचे बस जान दो ट्रैक्टर से कचोल ले पिछले पांव पूरा डंडा कंपन डंडा डाल के अरे मैया सुनो जाके नीचे डंडा डाल के जाके पांव पूछ डंडा बांध ले पिछले पांव पूछ बांध ले मेरा धन्यवाद ये काम लो जाए पीछे से रस्सी निकल जाएगी लस्सी वाले पांव के आगे डालनी पड़ेगी यार समय का नहीं था बात उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब तो बंद हो गया तो बंद नाक पे ना बांधी नाक से दूर सांस नहीं ले पाए बस 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 भाई बस भैया बस अपन को अपन भाई हाल में काट देंगे ब्लेड ब्लेड ठीक है ब्लेड मार देंगे एक ही बार में कट जाएगा क्या नहीं अपन क्या होता है बस बहुत है भाई नाक 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 वाली नाक नाक तो आई दे बड़ी पूरी मौज सांस ले लो नहीं मौज नहीं ले पर नाक ऐसे ले पाएगा भैया ये पंजे और बांधवानी को मुंड रख दे ए जी डालो नहीं की पहले की डालो लगा दो वो बोल लो जे डंडा तो देखिए दोस्तों अब हम इसको इसके बाता पर्यावरण में इसको छोड़ने के लिए हम आ चुके हैं वहां से इसको गांव से हमने पहले इसको रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद में अब इसको हम यहाँ पर नदी में आ गए काफी बड़ा डैम है वहाँ पर इसको रिलीज करेंगे हरसी डैम में और आप देखते रहो किस तरीके से इसको यहाँ पर रिलीज करना अभी ट्रैक्टर में लेकर आए हैं काफी बांध के रखा हुआ है इसको हमने चारों तरफ से अब इसको यहाँ पर रिलीज कर देंगे बाकी पर्यावरण में जो अपनी जिंदगी जिएगा देखिए किस प्रकार का कितना बड़ा मंगर है कम से कम 10 फुट की इसकी लंबाई है इस मंगर की काफी मुश्किलों के बाद इसको रेस्क्यू कर पाया उस रेस्क्यू करने के बाद में इसको हम रिलीज करेंगे ताकि ये अपनी जिंदगी आराम से जिएगा अपन बाद में खोलें पहले नहीं का होता ही भैया पहले एक काम करो जाए कोई उसको उधर को खींच के मुंह उधर कर दो वो तो दिख रहा है बात तो दिख रहा है जिंदा है यार वो तो जिंदा है वो तो दो तीन दिन तक ये निकालने के लिए सांस ला चली जा चली कैसे निकाल तो होगा इसमें दब जाता है अंदर यहां गठान पकड़ लो जबले जबले निकल गई ना जी लकड़ी की जबले पत्ती से काट लो जबले निकाल लो पहले अब एक ही जने रहो बस भागे आओ दो जने वहां से एक जने काटो बस ब्लेड से काट दो भाई ब्लेड से लकड़ी निकाल लो पहले छप रहा लकड़ी से
ज्यादा से पकड़ के ऊपर को खींच लिया मुंह का एक जना ऐसे नहीं सुनील मुंह को ऊपर को टांग ले डाला की झपट्टा मार दिया तुम्हें तो जी झपट्टा जी मारे मैं इसको इधर लगाया हूँ तो फिर तुम इधर एक तरफ लकड़ियाँ निकाल लो जी एक लकड़ी वो पड़ी है लक्की वो पड़ी भाई। दोस्तों अब हमने इसको पूरी तरीके से खोल दिया है अब जो वापस अपने पर्यावरण में चला जाएगा इसको अब ट्रॉली में से नीचे पटक रहे हैं हम और देखिए किस तरीके से ये अपने पानी में भागेगा आप देख रहे हैं नदी का जमाए देखते रहिए किस तरीके से तो देखिए जो ऊपर से चढ़ गया है और ये कूद गया अब जो पूरी तरीके से पानी में चला जाएगा दोस्तों देखिए दोस्तों उल्टा जा रहा अपने भगा 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 ये गया दोस्तों देखिए किस तरीके से और ये बाकी जिंदगी अपने खुशहाल जिएगा काफी मेहनत करी और मेहनत करने के बाद में इसको वापस नदी में छोड़ दिया गया और ये अपनी जिंदगी बाकी काफी खुशी के साथ मोबाइल पकड़ रहे तो यार मैं वो सोचा कर रहा हूँ तूने वीडियो बंद कर दी यार।